हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, एक एक 2×3 क्रम का अवयव a = aij ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव aij = 1/2 mod 2i-3j हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिक्स ए है इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स आपके पास में 2×3 क्रम का, यानी आपके पास में होना चाहिए 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो मानक रूप में हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, a11, a12, a13, 3 स्तंभ है ना, तो a13 तक आ जाइए। आप दूसरी पंक्ति लिखेंगे तो a21, a22, a23, ये आपके पास में मैट्रिक्स ए है। और अब इन सबका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इनका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको दे दिया कि जो एलिमेंट ए आई जे है वो इस प्रकार से परिभाषित है। पहला हम ज्ञात कर रहे हैं a11, a11 इक्वल टू, अगर इसकी ए आई जे के साथ में कंपैरिजन की जाए, हम देखते हैं यहां पर आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे आप यहां, तो आ जाएगा 1/2 mod 2i 1 है -3 जे भी आपके पास में 1 है। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 1/2 2 -3 -1, बट मोड है तो +1, तो 1/2 आ गया आपके पास में। a12 = 1/2 mod, अब की बार i का वैल्यू 1 हो गया, j का वैल्यू आपके पास में 2 हो गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे आप यहां, तो 2×i का मान 1 है -3 और j का मान आपके पास में 2 है, 1/2। सॉल्व कर दो भाई, 2 - 6 = 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट a13 = 1/2 i = 1 और j इक्वल टू कितना हो गया 3, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 2 i का वैल्यू 1 -3 और j का वैल्यू आपके पास में 3। सॉल्व करिए 1/2 एंड 2 - 9 7 हो जाएगा, तो ये आ गया 7/2। a21 1/2, अब की बार कंपैरिजन करें तो i = 2 एंड j = 1, वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, 2 i का वैल्यू 2 है -3 j का वैल्यू 1, तो 1/2। सॉल्व कर दिए, 4 - 3 1 आ जाएगा, तो 1/2। a22, इसका मतलब i = 2 एंड j = 2, वैल्यू पुट करिए 1/2 mod 2i 2 जाएगा -3 j का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, तो 1/2 4 - 6 यानी कि 2 आ जाएगा, तो 1। a23 = 1/2 और mod, कंपैरिजन करें तो i = 2 एंड j = 3, पुट करिए वैल्यू इसके अंदर, तभी आपके पास में आता है 1/2 2i यानी कि 2 -3 j यानी 3, तो 1/2 ये आपके पास में जाएगा 4 - 9 यानी कि 5, तो ये आपके पास में आ गया 5/2 a23। ये सारे एलिमेंट्स के वैल्यू आपने ज्ञात कर लिए, तो पुट कर दें यहां तो हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। देन मैट्रिक्स ए इक्वल टू, सबसे पहले a11 आ गया 1/2, a12 आ गया 2, a13 आ गया 7/2, a21 आ गया 1/2, a22 आ गया 1, a23 आ गया 5/2, यहां मैट्रिक्स ए मिल गया। इस प्रकार से हम कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर जनरल एलिमेंट हमें दे दिया जाए तो हम मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन यदि ए प्लस बी सेवन माइनस थ्री टू ए बी फोर इक्वल टू सिक्स सेवन माइनस थ्री टू एट फोर तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो संगत अवयव को बराबर करके ए और बी का मान ज्ञात कर लीजिए। कंपेरिजन करें तो ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स, ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स नंबर फर्स्ट। अगर कंपेरिजन करें यहां से तो ए बी इक्वल टू एट, देन ए बी इक्वल टू एट। इक्वेशन सेकेंड, एक में दो से, अब दो ऐसी संख्या देख लीजिए आप जिनका दोनों का योग तो कितना हो जाए छह और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाए आठ। हम जानते हैं चार और दो दोनों को जोड़ दे तो छह हो जाता है, चार और दो को मल्टीप्लाई कर दे तो आठ हो जाता है। इसलिए ए और बी में से कोई सी भी एक दो होगी, यहां ए को भी दो कह सकते हैं हम और बी को भी दो कह सकते हैं, एंड बी इक्वल टू फोर। ये ए और बी का वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसको आप लोग खुद करेंगे। ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास में, एक तो है 2x माइनस एक्स प्लस जेड, 3x प्लस वाई, 3y माइनस 2p इक्वल टू 4 5 माइनस 4 माइनस 3। तो x y z और p का वैल्यू आप फाइंड करेंगे मान ज्ञात करके। एक और है आपके पास में, दो मैट्रिक्स है यहां। पहला मैट्रिक्स है a, यहां लिखते a माइनस 2 18 c 3 b प्लस 2 2 c एंड b c। सेकेंड मैट्रिक्स है b, b 6 b c a 6 एंड 2 b। तो अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो वैल्यू ज्ञात करिए आप लोग ए बी और सी का।